हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति के जिला अध्यक्ष श्री राम मिलन आदिवासी जी के पास। जैसा कि विदित है कि आज बिरसा मुंडा भगवान की आज जयंती है और जयंती को लेकर के सरकार के द्वारा क्या क्या आयोजन किए जा रहे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर के और आदिवासी समाज के सम्मान को लेकर के हम आज बात करेंगे श्री राम मिलन आदिवासी जी से। रामबिलन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेलखंड टपल्स में। आज जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को लेकर के हमारी सरकार इसको विशेष अवसर के रूप में मना रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कि जो उन्होंने हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को एक अवकाश का दिन दिया है, तो इसलिए हम लोग सभी आदिवासी समाज इसको बड़े अपने धूमधाम से मना रहे हैं। तो आज यहाँ पर विशेष तौर पर कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं इसको लेकर के? जे हम लोगों ने अपना कार्यक्रम बीच में अपना जो जहाँ पर बहुत हमारे आदिवासी सम्मिलित हो रहे हैं वो अपने हमने घुंचू में कार्यक्रम रखा है और वहाँ पर हमें जगह सही लगी जहाँ पर हमारी पब्लिक ज़्यादा इकट्ठे हो सके, हमारे सभी आदिवासी भाई इकट्ठे हो सकें, इसलिए हमने वहाँ पे अपना ये प्रोग्राम रखा है। आप किस तरह से मानते हैं कि जिस तरह से भाजपा सरकार या मोदी सरकार के द्वारा आदिवासी समाज को सम्मान दिया गया, खासतौर से देश के हमारे राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से हैं और आदिवासी समाज को लेकर के जिस तरह से योजनाएँ घोषणाएँ हो रही हैं, आप उन पर आपका क्या विचार है कहना? हम धन्यवाद करते हैं अपनी हम राष्ट्रपति मुर्मू जी का जो कि हमें देश में वो हमारे इतने बड़े पद पे पदस्थ हुई हैं। हमें हमारे सारे देश के आदिवासियों को इस बात पर गर्व है कि उनको हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतना अच्छा वो पद दिया है ताकि हमारे देश के सभी आदिवासियों को इस बात का गर्व है कि सब लोग इसकी वो करते हैं कि ये एक सत्रह सम्मान की बात है निश्चित रूप से। और जिस तरह से आदिवासी समाज में आज कई तरह की विकृतियाँ भी पैदा हैं नशे को लेकर या अशिक्षा को लेकर के, शिक्षा काफ़ी कम लोग ग्रहण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चूंकि जनजाति अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष हैं तो आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस पर? हम भी सब लोगों को ये अभियान चला रहे हैं कि शराब छुड़ाओ, हम भी इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि शराब छूटे, जिस तरह से शराब छूटेगी हमारे आदिवासी भाई लोग सभी इससे बच के रहे हैं और इससे बहुत हमारे देश में अगर शराब छूटती है तो इसका हमारे आदिवासियों का भविष्य सुधरेगा और इससे हमारे आदिवासियों के लिए आगे के लिए उन्नति मिलेगी और इससे बहुत आगे हम लोगों को इस चीज़ की बहुत चीज रहेगी कि ताकि हम लोगों में बहुत से बहुत अच्छा सुधार आ जाए। आज के कार्यक्रम में विशेष तौर पर किनका प्रमुख योगदान रहेगा, कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री कैल सिंह भावर जी जो कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे विशिष्ट अतिथि एक आरडी प्रजापति हैं और हमारे सारे कर्मचारी संघ इसमें सभी हिस्सा ले रहे हैं इसमें और बाकी जो हमारे पिछड़ा वर्ग लोग के हैं जितने भी सभी लोग हैं इसमें सब भाग ले रहे हैं और सभी को हमने अपने विस्तृत रूप से ये बनाया कि सबको अतिथि बोलने का सबको अवसर और सबको मौका दिया जाए, इसलिए हमने ये अपना कार्यक्रम रखा। तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर और नशे को लेकर जिस तरह से आदिवासी समाज को अपने सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं हमारे आदिवासी समाज से हमारे श्री राम मिलन आदिवासी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिलाध्यक्ष भी हैं, आज वह बिरसा मुंडा जी भगवान की जयंती के अवसर पर उनकी आपने विचार सुने निश्चित रूप से आपको पसंद आएंगे। हम एक बार फिर नई शख्सियत के साथ यहाँ उपस्थित होंगे, जब तक के लिए मैं खजुराहो से राजीव शुक्ला, धन्यवाद।